So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends to T Lab. Sankumar welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube education channel to T Lab. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से चल रही होगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी का एक वन वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है कि आपके पास रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। आपके पास एकदम ये होना चाहिए कि ये नहीं कि आज मैं अब से रोज़ डेली 5 बजे सुबह जग ही जाऊँगा और रोज़ अपनी पढ़ाई 10 घंटे की करूँगा। इसके इंस्टेड अगर आप ये बोले कि ठीक है मुझे मैं 8 घंटे ही सोऊंगा, मैं 6 बजे ही जाऊँगा और मैं रोज़ पढ़ूंगा 2 घंटे, रोज़ 2 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे अगर पढ़ने की कोशिश की तो 10 घंटे टारगेट बना लेंगे, पढ़ाई चालू करेंगे, कभी हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ज्ञान हुआ समाप्त और अब हम फोकस करने वाले हैं अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ चैप्टर जो अपने चरम सीमा पे है, एकदम बीच में मीन्स एकदम क्या बोले तो एकदम टॉपिक एकदम ऊपर तक आ चुका है। जो हम आ चुके हैं रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इन कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके कौन कौन से रूल हैं। देखिए इसके 4 मेन रूल हैं और एक की पॉइंट है। 4 मेन रूल है, वी हैव फॉर दिस 4 मेन रूल्स एंड 1 की पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए वो जो की पॉइंट है वो ये कहता है कि the image is formed at the point where two reflected rays intersect or appear to intersect। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल ये बताता है कि जो इमेज है किसी भी स्फेरिकल मिरर में वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो इमेज फॉर्मेशन है वो उसी पॉइंट पे होता है जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज या तो इंटरसेक्ट होती हैं। 2 रिफ्लेक्टेड रेज गई ऐसे मीन्स 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट हो या फिर ऐसा लगे कि वो वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा किस्म होता है कॉन्वेक्स मिरर में या फिर जहाँ वर्चुअल इमेज होता है। मैंने आपको बताया था, आगे भी बताऊंगा, वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है जहाँ पर इमेज ऐसी अपीयर होती है कि वो इंटरसेक्ट हो। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और appear to intersect। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट की पॉइंट, ये हो गया हमारे पास की पॉइंट कि आखिर इमेज कहाँ फॉर्म होता है। इसके बाद हमारे पास 4 केसेस हैं, 4 रूल्स हैं। ओके, मैं आपको चारों ही रूल बहुत ही आसान तरीके से, वही हम कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, वही पॉइंट उन्हीं पॉइंट्स का यूज करते हुए करेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। रूल 1 देखिएगा माय डियर फ्रेंड, जो पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन में, किस चीज़ के लिए हम देखने वाले हैं? हम सबसे पहले देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हुआ हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, एक स्फेरिकल सेल और ये हो गया उसका डॉटेड लाइन। माय डियर फ्रेंड्स क्या हो गया? ये हो गया उसका डॉटेड लाइन, यानी रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो देखिएगा रे डायग्राम फॉर्मेशन के लिए हमको सबसे पहले अपना प्रिंसिपल एक्सिस खींचना होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ पोल, ये मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के सेंटर को, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सेंटर को हम क्या कहते थे? पोल कहते थे। इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या कहते थे? हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस आईओ की लाइन विड्थ आर्क से चाहिए, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए पहला रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी लाइन पैरेलल जा रही है तो बीच में क्या होता है, एक पॉइंट फोकस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, ये तीन पॉइंट हो गए। यहाँ पर एक्स लिखेंगे जो क्या लिखा जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पोल से होकर के गुजरती है। पहला क्या है, एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस या फिर आपकी पैरेलल टू और प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो और वो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे जाए, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, फोकस से गुजरता है। ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट रूल जो है। सेकेंड रूल देखिएगा, रूल नंबर टू हमारे पास जो है ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर और ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। तो ये क्या बताता है, रूल नंबर टू क्या बताता है, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के अगर हम कोई रेज ऑफ लाइट पास करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी स्ट्रेट लाइन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला जाता है। अगर कोई रेज ऑफ लाइट, जो सेकेंड पॉइंट वो है, एनी इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्ट्स बैक इन the opposite direction along the same path। कोई भी रेज ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास होती है, अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास कराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हमारा रूल नंबर टू। अब देखिएगा रूल नंबर टू में जो है कि ये फिर ऐसे ही क्यों चला जाता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि अभी बस मैं बता दे रहा हूँ, आपको उतना डीपली नहीं जाना है कि यहाँ पर अगर मैं एक टैंजेंट यानी यहाँ पर अगर एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है ना, वो इस प्लेन पर, इस मिरर से परपेंडिकुलर होती है, और हमको पता है जो लाइन परपेंडिकुलरली मिरर पर पड़ती है तो फिर उसी से वापस चली जाती है। तो ये बात आप समझ लेंगे, या फिर आप सर्कल चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन सेंटर से कोई लाइन आता है तो वहाँ पे टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। आई होप 10th क्लास में ऐसा कुछ, या फिर 9th क्लास में ही है मैथ्स में। तो ये पहला रूल क्या हो गया कि कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा जो रूल है वो है कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ये हमारा हो गया दो, ये छोटे से दो रूल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। आई होप माई डियर फ्रेंड्स आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई नो आपको लग रहा होगा कि स्पीड थोड़ी धीरे है, लेकिन स्पीड को हम धीरा नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्पीड को मेंटेन करेंगे। देखिएगा रूल नंबर 3, क्या भाई अभी तो एक खिलाया तेरे को। रूल नंबर 3 देखिएगा क्या है, वो है रूल नंबर 3 है कि ये हो गया अगेन अपना कॉन्केव मिरर, ये हो गया डॉट 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 रिफ्लेक्टेड साइड नहीं हुआ, वो क्या हो गया पोर्टेड साइड हो गया, रिफ्लेक्टिंग साइड ये हो गया। अब हम बनाएंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर अपना हो गया पोल, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर हो गया फोकस। अब देखिए जो थर्ड टूल है वो ये बताता है कि अगर कोई, पहला क्या मैंने देखा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, दूसरा मैंने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तीसरा है अगर हम फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास कराते हैं, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आकर के मिरर पे पड़ता है, फोकस से आकर के मिरर पे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अगेन क्या हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आपके पास पड़ता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है। एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू passing through focus becomes parallel to principal axis after reflection। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है, तो वो फोकस से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये हमारा हुआ रूल नंबर 3। अब चलिए चलते हैं अपने लास्ट रूल नंबर 4। बहुत ही छोटे रूल्स हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। फोकस माय डियर फ्रेंड्स, यही वो रूल है जो आपके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर लेंस, जितने भी है ऐसे ही रेंज डायग्राम आपको मिलने वाले हैं 3-4, वही किसी ये फोकस से पास होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग भी वापस आ जाएगा। और जो फोर्थ पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर ये अपना एक कॉनकेव मिरर है, ये अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर किसी एंगल से आकर के गिरती है, लेट वो कोई पोल पर कोई इंसिडेंट रे आई और एंगल आई बनाते हुए आई, तो वो अगर पोल से फिर उतने ही एंगल बनाते हुए जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल को बनाते हुए आर हो गया रिफ्लेक्टेड रे, उसी एंगल को बनाते हुए वापस चली जाएगी। यानी कोई भी इंसिडेंट रे जो पोल पर किसी एंगल पर अगर इंसिडेंट होता है तो वापस अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एनी इंसिडेंट रे falling at pole is reflected by making the same angle with the principal axis। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पोल पर आकर के इंसिडेंट होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म करेगा उतना ही एंगल फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाते हुए पास हो जाएगा। इसको आप लैंग्वेज में लिख देना, ये उतना यूज में आता नहीं है। एनी इंसिडेंट रे फॉलिंग एट पोल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा था 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स और एक की पॉइंट्स की इमेज वहीं पर बनता है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो आकर के मिले या फिर आकर के मिलते हुए प्रतीत हों। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चारों जो वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझ में। एक बार मैं रिकैप करता हूँ, मैंने आपको 1, 2 तीन चार, इधर ये हो गया, 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 ये हो गया। आई होप आप मेरे फीलिंग्स को समझे कि वो रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया। अब देखिए पहला जो रूल था वो क्या था, यहाँ पोल होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ फोकस होगा कि कोई भी पैरेलल रेज आती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आकर के चली जाती है। सेकेंड पॉइंट था कि ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ, वो ज़्यादा दूर मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ के अलॉन्ग वापस आ जाती है। फिर मैंने आपको बताया ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया ये पोल पर, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हो गया। पोल पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट होती है तो जिस एंगल पर आके इंसिडेंट होती है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये थे हमारे 4 सिंपल से रूल्स, जिनका यूज करके नेक्स्ट लेक्चर में हम के मिरर के 6 केसेस होने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड 6 केसेस, डिफरेंट केसेस होने वाले हैं। उन सभी केसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए आई होप आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी